अस्सलाम वालेकुम अली एंड मरहूम शो के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत। और मरहूम, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर जाएं, एक बड़ी समस्या है जिसका हल नहीं निकल रहा। गेम में बाइसेप्स की लगा रहा हूँ, कमीज पेट से फंसे जा रही है। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है नहीं। अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता तो मैं डेफिनेटली आपका मसला समझता, लेकिन जाहिर बात है कि आई कैन नॉट स्टेप इनटू योर शूज क्योंकि अच्छा तो आज वो कौन सा इम्पोर्टेंट दिन है जिस पे हम बात कर रहे हैं? आज ही बड़ा जबरदस्त दिन है और मेरा ख्याल है कि ये दिन हर महीने में मनाया जाना चाहिए। आज का दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। वाह, यानी कि ये कौन सा माइंड है? ये इकबाल की खुद ही टाइप माइंड है। हाँ जी, माइंड कि मैं क्या हूँ। मतलब हमारा सबसे ज्यादा शौक होता है हमसायों की हरकतों से बाखबर रहना, कि मतलब अदर्स अवेयरनेस तो होती है हमारी हर रोज ही, तो माइंड अवेयरनेस के लिए एक ही दिन है, तो माइंड अवेयरनेस बड़ी जरूरी चीज है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो पंजाबी शोरा थे ना, इनको बहुत शौक था कि बाहर को छोड़ो अंदर में पढ़ो, ये बाबा बुल्ले शाह टाइप सीन। तो मैंने तो जब भी अपने अंदर झांका है ना, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सर, ये अगर आपको अपने अंदर झांक के डिसअपॉइंटमेंट होती है तो इसका मतलब है कि आप बड़े जबरदस्त आदमी हैं, क्योंकि ये हर किसी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती अपने अंदर देख के, क्योंकि हम जो ज्यादातर लोग हैं ना, हमें लगता है कि वी आर अ गिफ्ट टू मैनकाइंड। कि अगर हम ना होते तो मतलब ठीक है, कुदरत भी चला ही रही है, लेकिन अगर हम ना होते तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। वो यहाँ पे सब लोग ये भी तो कहते हैं ना कि जे मेरी जिंदगी तो फिल्म बन जाए तो सुपर हिट। यार ये मेरी अम्मी भी कहती है और मैं कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास ऐसी फिल्म बन गई तो अबू ही रहोगे आप विलन होंगे। और ये मैं दूसरे जो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जिस सारी जिंदगी तो फिल्म बन जाए तो पटनी की हो जाएगा, उनको पता नहीं क्यों लगता है उनकी जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है। तुसी की साइबेरिया कुड़ियां सप्लाई कर दे रहे हो, कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस आपने जिंदगी में लिया है जो आपके आपका यूनिक था और लोग उसको उसमें इन्वॉल्व होके समझना चाह रहे हैं कि क्या होता है, तुसी कीता की है? ये तो आपने मुझे दुखी कर दिया, लेकिन मैंने बाकी सब करते हैं बकवास। मैं आपको बताता हूँ, मतलब आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ, माइंड अवेयरनेस मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। मेरी जिंदगी पे अगर फिल्म बने ना, ठीक है मैंने साइबेरिया में लड़कियां सप्लाई नहीं की, लेकिन जेड़े दुख मैं चुके रहे ना, तुसी सुन लो, तुसी कह रहे तो फिल्म क्यों नहीं बनाता। तो भाई जान ये बाकी गलत सोचते हैं, मुझे माइंड अवेयरनेस है ये। और पंजाबी शायरी में हर वक्त यही हो रहा होता है कि ना कर बंदिया तेरी मेरी ते नस नस वरने मंदिर मसीते कदे मन अपने च बढ़िया नहीं। मतलब आप ये देखें कि अगर मन अपना जो है वो इतना ज्यादा कोई अच्छी कंपनी होता तो इस वक्त लोग क्वारंटीन में ख्वार क्यों हो रहे होते? बेहतरीन फिल्म आप देख सकते हो, बेहतरीन नावल आप पढ़ सकते हो, बेहतरीन मौसीकी आप सुन सकते हो क्वारंटीन में, लेकिन लोगों का बस नहीं चल रहा कि वो निकलें घर से और जाके लोगों में मिंगलिंग करें, क्योंकि अपना आप नहीं बर्दाश्त होता। सर मसला वही है ना, माइंड अवेयरनेस नहीं है। माइंड अवेयरनेस अगर आ गई तो आपको अपने साथ जो मजा आएगा ना, माइंड के साथ, वो आपको नहीं आ सकता, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। नहीं, वो माइंड के साथ लोग मजा लेते हैं, वो मजा ज्यादा देर चलता नहीं है उसको, वैसे भी यहाँ पे खुद लज्जती और इस किस्म के नामों से वैसे ना मैं उसे वंशम कहता हूँ। तो वो तो ठीक है मतलब, लेकिन वही बात है, माइंड अवेयरनेस जो है डिपेंड करता है ना कि आपको कितनी होनी चाहिए, उसकी भी एक लिमिट होती है ना। ये तो नहीं कि अगर बिल्कुल ही अवेयर हो गए और आपको पता लग गया कि अगर आपकी जिंदगी में वाकई फिल्म बनने लगी है, वैसे अगर मेरे अचानक जेहन में आया कि अगर मेरी जिंदगी में वाकई फिल्म बन गई तो मेरे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ये। मेक श्योर घर वाले ना देखने रहे। अच्छा ये दूसरा, ये जो लोग अपने आप को मैं के बजाय हम कहते हैं, ये भी वो माइंड के साथ अवेयर होते हैं, उनको एकदम से लगना शुरू होता है कि हम दो हैं, क्योंकि एक तो मैं जो देख रहा हूँ अपने आप को और एक वो जो मेरे अंदर है। जी बिल्कुल ऐसे तो हम जी अली भाई इसी तरह से है, जैसे आप एक अजीम आदमी नहीं है, आप कम से कम दो अजीम आदमी है, इस वजह से आप हम हैं, आप मैं नहीं है। तो ये जो मैं है ना, मैं कहना, वैसे भी हमारे यहाँ लखनऊ में बुरा समझा जाता है, तो हम आमतौर पर हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खुद को मुखातिब करने के लिए। वाह, जितनी आपकी जुबान में शाइस्तगी है, अगर आपके हुलिये में भी होती तो आप पकड़े ना जाते। फिर आप जैसे लोग कहते हैं कि वकील बदतमीज होते हैं और लोगों को मारते हैं और इस तरह की बातें आप जैसे लोग करते हैं। देखिए अभी मैं बड़ा सेफ बैठा हूँ, आप होंगे वकील, आप आज मुझे नहीं मार सकते क्योंकि हम फीते के साथ सेफ डिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं, आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बिलाल, पक्की बात है ना ये माइंड मेरा वाला है, ये कहीं वो कोयले की कान वाला माइंड का तो दिन नहीं है, या वो जो जमीनों के अंदर लैंड माइंस होती हैं वो? पॉसिबल नहीं है, इतनी छोटी चीज के लिए थोड़ी दिन बनाएंगे।
कमाल है, शुक्र है वो कोयले से आपने फिर वो ब्लॉग नहीं कर दिया कि फिर हीरा भी तो कोयले में से निकलता है टाइप से। देखिए मैं ना असल में इस वक्त मैं माइंड में फंसा हूँ, मेरी जिंदगी के जो वाकयात मेरे जहन में चल रहे हैं ना, मेरे पास ये टाइम नहीं है हीरे शीरे हीरा क्या है जो मेरी नहीं नहीं सॉरी मैं अवेयर हूँ, ठीक है मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक एक बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ। अच्छा ये हम्बल साइड दिखा रहे हैं अपने। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने इस तरह का कमेंट नहीं करना कि आप वाकई मतलब गुनाहगार हैं, आपने ये कहना कि नहीं मरहूम भाई क्या ही बात है। तो वो जो है ना शुक्र है ऊपर से लोग वो फिर बड़ी रेसिस्ट बातों पे भी आ जाती है, जैसे ये कोयले की कान से हीरे वाला चक्कर शुरू होता है तो पता नहीं कहाँ से जैकुलिन फर्नांडिस याद आ जाती है लोगों। हाँ बिल्कुल सही है, ये बहुत गलत बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये हम कौम को पैगाम पहुंचा रहे हैं। सही बात है, ना ही मंडी में जाना चाहिए हीरा खरीदने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि वैसे तो ये देखा जाए तो हम भी एक किस्म के जितना ज़रखेज़ ज़हन है हमारा लोगों के पास तो होता ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि हमने कभी गरूर नहीं किया। हाँ, हीरे तो हम हैं अल्लाह का शुक्र। अब जरा जरा इर्द-गिर्द नजर दौड़ाते हैं कि ये हम कान में है कि कहाँ है। मुझे लगता है कि हमारे हम ना वो हीरे जो कोयले की कान में फंस गए हैं, पता नहीं कब निकलेंगे, लेकिन फिल्म अगर बन गई ना या फिल्म बना दो ना प्लीज। अच्छा मसला पता क्या, मुझे ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में ना फिल्म बने तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इंसानियत महरूम रह जाएगी उन चीजों से उसका कौन जिम्मेदार है, जवाब तो मैंने देना है ना उसका। हमने अपनी जिंदगी में कोई काम भी अपने लिए नहीं किया, सब बेलॉस सर, फ्रीलांस बेलॉस। जो अपने लिए किया भी था उन्होंने पैसे ही नहीं दिए आज तक। सर हमारा वो नहीं साहब है, वो एक साहब की दुकान से कुत्ता रोटी उठा के ले गया तो पीछे भागते रहे नहीं पकड़ा गया तो कहते अच्छा फिर ये तो स्वाद नानी दी रूह में पहुंचे। लेकिन ये असल में वही बात है ना कि आपको मेरी आदत का तो पता ही है, मैं तो इस तरह की बात करता ही नहीं हूं ना सोचता हूं। अच्छा ये पक्की बात है कि ये माइंस दूसरी वाली नहीं थी? कैसे है आपको लगता है कि लैंड माइंस वाली होगी? वैसे तो ये वो दिन नहीं है, लेकिन लैंड माइंस के ऊपर एक ईरानी फिल्म भी थी टर्टल्स कैन फ्लाई, और अमूमन तो ईरानी फिल्में देख के बहुत सस्ती लगती है ना, उसमें जरा कलर शलर ऐसे थे कि देख के लग रहा था जरा पैसे लगे हुए हैं फिल्म के अंदर, और वो फिल्म भी बड़ी शानदार थी। वैसे ये वो दिन नहीं है, आपको लगता है टर्टल्स कैन फ्लाई? सॉरी कम ऑन, नहीं बिल्कुल ही आप अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है। नहीं मैं ऐसे भी कहता हूँ उसकी कहानी अच्छी थी, छोटे छोटे बच्चे लैंड माइंस निकालते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें मेरे बारे में पता सॉरी अपने बारे में पता था नहीं क्या? माइंड अवेयरनेस हर किसी की अपनी अपनी होगी, वो बेखबरे थे। तो ये तो हम बाखबर होना चाह रहे हैं, वो एक बस मसला ये है कि हम दुनिया के बारे में नहीं बाखबर होना चाह रहे हैं, हम अपने अंदर बिल्कुल क्या हम अंदर क्या है जो हमारे अंदर गलाजत है, मतलब गलाजत भी है पाकीज़गी है, जिगते हैं ना, मतलब जो एक बड़ी शख्सियत होती है ना उसके अंदर बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस जिहते होती हैं, लेयर्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है वो। अच्छा मुझे अभी अचानक रियलाइज हुआ है कि वो जिन चीजों में मैं शर्मिंदा होता था वो असल में एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइफ थे। क्या हो गया है उधर, कितना तुम नुकसान हो गया सी बशीर, कितना तेरा नुकसान करता है मैं यार सोच नहीं कर ले, तेरे होर भी तो दो बच्चे ने। अच्छा तो ये तो हमने बस जैसे जैसे लेयर्स हम अपनी शेड करते जाएंगे जी, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप कपड़े उतारना शुरू कर दो तो फिर एक मौका आता है कि आप अलफ नंगे हो जाते। अच्छा इस तरह आप अंदर की लेयर्स भी जैसे शेड करना शुरू करते हो ना तो फिर वो एक जो आखिरी चीज बचती है वो असल में वो ट्रू आप हो, और वो जो आपका ट्रू सेल्फ है वो आपने कभी किसी को नहीं दिखाना, क्योंकि अगर आप दिखाओगे तो आपके माँ बाप भी आपको मिलने से इनकार कर देंगे, आपकी शादी भी कभी नहीं हो सकेगी, आपके बच्चे भी नहीं, क्योंकि आप बच्चे हो सकते हैं क्योंकि आप फिर नाकाबले बर्दाश्त हो जाओगे ना सबके लिए। कि भाई इतना हुस्न इकट्ठा ही एक पैकेट के अंदर यकजहती के साथ तब मुल्ज़िम आते मत होते हो। वो भी और वो ये कि यार तू ऐडा पैड़ा है। जाहिरी तौर पे पैड़ा होना मतलब ये फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अंदर से अच्छे हैं, अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस अंदर मतलब डीप डाउन माइंड अवेयरनेस बड़ी जरूरी है, कि मतलब आपका पित्ता साफ होना चाहिए, डीप डाउन पित्ते से काफी नीचे होता है। तो वो जो होता है ना कि फलाने को यार कुछ ना कहो वो दिल का अच्छा है, तो दिल के तो सारे नहीं अच्छे होते, मैं भी बड़ा अच्छा हूं दिल का, दिल किस ये दिल के अच्छे होंगे हो सकता है कि मैं हूं। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब सर मतलब उसमें तो दूसरी राह ही कोई नहीं है, हो सकता है मैं जबान का कभी कभी ना तो 100 में से 99 दफा बुरा हूंगा, लेकिन दिल का 100 में से 100 बार अच्छा, मतलब मैंने अगर किसी को गोली भी मारी है तो इसलिए कि भाई बेचारा सारी जिंदगी गुर्बत की में कटेगा। सर माइंड अवेयरनेस बात वहीं पे आके मुक्ति है,
और ये इसमें ना एक और चीज भी होती है कि जितना आप अपने आप को पहचानते जाओ आपको और किसी को पहचानने की जरूरत ही नहीं है सर, ऐसा ही है। हाँ, मतलब आप किनारा कर सकते हैं आप सोसाइटी के साथ। सर मैं तो गल ही नहीं करता, मेरी आदत ही नहीं, मतलब वरना मैं अगर अपना आप खोल के रख दे तो मतलब ये मतलब लोग एहसास कमजोरी का शिकार हो जाएगा। आप नहीं समझ रहे, मैं चाह ही नहीं रहा, वो सहार नहीं सकते सर, बिल्कुल ऐसे कि वो मुझे बुरा समझे। मैं चाहता हूँ वो मुझे बुरा समझे, हालांकि आपको पता है कि चलें छोड़े मैं ये बात करता ही नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल आपको हकाई कलम होना चाहिए। ये बड़ी बात है कि आपके हुस्न का लश्कारा लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ये अंदर की चाती अगर पड़ गई तो वही मसला, लोग आपकी मूर्तियां बना के तो परिस्तिश नाना शुरू कर दें। सही बात है, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं चाहूंगा। हाँ, मतलब ठीक है कब किसी ने करनी है तो मैं ये भी नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं चाहूंगा नहीं। ये होता है दिल से अच्छा होना सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो वैसे अब जो है ना, मेरे ख्याल में हम लोगों से इस फरमाइश के साथ कि वो लाइक कमेंट और शेयर करें ये हम खत्म करते हैं, और उसके बाद हम गूगल भी करते हैं कि कौन सा वाला दिन था। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। ओके, पहले हमने क्या किया था जिसमें हमने यूं किया था? वो करने या नहीं? मेरे ख्याल में काफी ठीक है, बल्कि एंड वाला डाल देंगे। प्लीज।